ओम नमः शिवाय हर महादेव। नमस्कार अम्बरीजनों, आप देख रहे हैं सूर्य पाठशाला, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात करने वाले हैं। सीयूईटी पीजी में जो बच्चे भी बीएचयू को अपना प्रायोरिटी लेकर चल रहे हैं और वो ये मान के चल रहे हैं कि उनका बीएचयू में एडमिशन की पॉसिबिलिटीज 100% है या 90% है, ये डाउट इसलिए निकल के आया क्योंकि बहुत सारे वीडियोज में मैं कॉमेंट देखा कि सर इस बार का कट ऑफ डाउन हो जाएगा। कुछ वीडियोस बहुत ही कॉन्फिडेंटली डाले गए हैं यूट्यूब पे कि हाँ कट ऑफ डाउन होगा ही होगा, तो मुझे लगा कि भाई इस पे अब एक बार बात हो जानी चाहिए कि कट ऑफ डाउन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरे भी अपने एक्सपीरियंसेस हैं और आप सभी को सुनना चाहिए। पहली बात तो कट ऑफ डाउन होने की जो बात आई वो आई क्यों, इस पे बात कर लेते हैं। ये आया क्योंकि आपका जो एग्जाम है ये मिड ऑफ सेमेस्टर के बीच में हुआ था, लगभग आप लोग के पांचवें सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे होंगे या चलने वाले होंगे और तभी आपके सीयूईटी पीजी के एग्जाम हो गए, जबकि पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। ऑलमोस्ट पीजी के एग्जाम लेट होते थे, फॉर्म भी लेट आता था, काउंसलिंग भी लेट होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। आप लोग के जो सिलेबस थे लगभग यूजी लेवल पे वो कंप्लीट भी नहीं हुए थे और आपका एग्जाम हो गया। यही कारण है ना, सबसे बड़ा कारण यही है। लगभग आप मान के चलते हो, अब तो धूप वाला भी कारण नहीं दे सकते हो क्योंकि ऑलमोस्ट आपके एग्जाम इस धूप के आने के पहले ही हो गए थे। यूजी बच्चे एक बार बोल सकते हैं कि अटेंडेंस कम हो सकता है हमारे यहाँ, लेकिन पीजी बच्चे नहीं बोल सकते। तो फाइनली अब मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखने वाला हूँ जिसको आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है कि भाई कट ऑफ डाउन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों के कट ऑफ जो बनते हैं बेसिकली वो बनते हैं क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और जो बच्चों के उसमें नंबर्स होते हैं यानी अटेंडेंस जिसको बोलते हैं। बेसिकली इन दोनों चीजों में ऑन एन एवरेज जो हर साल रहता है उसी तरीके से कुछ चीजें रही हैं। पेपर जो भी रहा वो पूरे बच्चों के लिए रहा। जैसे कि मेरा कहना है, जो आप लोग ये मान के चल रहे हो ना कि सर जो हमारा मिड में पेपर हो गया कहीं ना कहीं तो सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो कट ऑफ डाउन चला जाएगा, लेकिन आप ये भी तो ध्यान दो कि ये चीजें उस दिन आपके पैरेलल बैठे हुए देश के कोने कोने में हर एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ बच्चा जो था वो फेस कर रहा था। जैसे मान लो कोई बच्चा अगर पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके एग्जाम देता है या पूरा बैच आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करके अगर एग्जाम देता तो मैं मान के चलता हूँ कि ऐसा होता कि 300 में 270 पा जाते हैं आप, टॉपर जो होता है 270 पे होता और ऑलमोस्ट डेंसिटी कुछ इसी तरीके से होती 270, 260, 250 यही होता ना। अब अगर मिड ऑफ सेमेस्टर में एग्जाम हो गया तो ये कट ऑफ ये टॉपर का है ना वो दायरा कम हो जाएगा, यानी अब टॉपर हो सकता है कि 300 में 210 से स्टार्ट हो रहा है। किसी कोर्सेज में आप देखो ना, होम साइंस में लगभग 257 समथिंग से टॉपर स्टार्ट हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे तो वही हैं, और वैसे भी जब हम लोग टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, बीएचयू की बात करते हैं, जेएनयू की बात करते हैं, जेएमआई एंड डीयू के टॉप कॉलेजेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे कट ऑफ गिरने उड़ने की बात नहीं करते क्योंकि इनके यहाँ बहुत भर के सीटें नहीं है हजारों की संख्या में। ये कोई जॉब वाली वैकेंसीज नहीं है, इनके यहाँ तो लिमिटेड सीटें हैं, 30 सीटें, ऑलमोस्ट 100 सीटें। आपके 100 सीटों में इनकी यहाँ पूरी सीट भर जानी है भाई, तो टॉपर तो सीट ले ही लेगा ना। जो ऊपर से किसी भी कोर्स का टॉपर है, टॉप 500 तक ऑलमोस्ट काउंसलिंग में जो बच्चे इन्वॉल्व होंगे इन टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए, तो वो तो सीट ऑप्ट कर ही लेंगे। बेसिकली ये कट ऑफ डाउन अब की बात पता है किसको करनी चाहिए, ये बात करनी चाहिए जिनके मार्क्स बहुत कम है, क्योंकि इसका फर्क देखने को मिलेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि कट ऑफ डाउन, देखो आप सोच रहे होगे ना कि नीट सर तो इस तरीके से बोल रहे हैं कट ऑफ डाउन नहीं होगा। ऑलमोस्ट मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कट ऑफ डाउन नहीं होगा, या तो कट ऑफ एज इट इज रहेगा, बीएचयू की बात कर रहा हूं और डीयू जेएनयू जो टॉप यूनिवर्सिटीज है इसकी बात कर रहा हूं, या तो इसका कट ऑफ 5 नंबर 10 नंबर बढ़ जाएगा। हाँ, ये कोर्स पे डिपेंड कर सकता है, जैसे लॉ में कट ऑफ कभी डाउन नहीं जाएगा क्योंकि लॉ 3 ईयर्स बहुत ज्यादा एडवर्टाइज कोर्स हो चुका है आज के डेट में। बीएचयू के बच्चे खुद, यहाँ के जो एक्स स्टूडेंट है ना, जो यहाँ के करंट बच्चे थे ना, वो खुद बहुत ज्यादा भूखे पड़े हैं कि नहीं मुझे एलएलबी चाहिए। मुझे बच्चे मिलते हैं ना ग्राउंड लेवल पे, मैं देखा हूँ, घुमा हूँ, मुझे समझ में आता है ये बात। आज के 2 साल पहले उतना एडवर्टाइजमेंट नहीं था, लेकिन आज बहुत ज्यादा उसका एडवर्टाइजमेंट है। उसी तरीके से और भी कोर्सेज, हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, पॉलिटी हो गए, इन सब में कट ऑफ डाउन हिंदी हो गया नहीं जाएगा, फिलोसफी में शायद में भी कुछ कम चला जाए, फॉरेन लैंग्वेजेस में कुछ कम जा सकता है बीएचयू के लिए, लेकिन जेएनयू के लिए वही फिर हाईएस्ट जाएगा। तो ये तमाम चीजें कोर्स वाइज मैं डिस्कस करूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अब बात करते हैं कि डाउन किसके लिए होगा, इस बात को भी समझना जरूरी है। देखो भाई, डाउन होगा लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज के लिए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो इस टॉप यूनिवर्सिटी में अगर कहीं ना कहीं शिफ्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज हैं इनके यहाँ बच्चे जो है वो कम नंबर पर एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो बनाना इसलिए बेहद जरूरी था ना, क्योंकि आपके माइंड में अगर ये एक बी ऑप्शन अगर कहीं स्किप कर रहा है तो मैं कहूंगा भाई देखो बी ऑप्शन लेके चलो, बी ऑप्शन को आप स्किप मत करो,
कारण ये है कि बी ऑप्शन को अगर आप स्किप कर दोगे तो क्या पीजी के बच्चे हो भाई, आप मास्टर्स के बच्चे हो, आप ऑलमोस्ट एंड ऑफ एजुकेशन पे हो अपने, ठीक है। तो आप चाहोगे ना कि आपका एडमिशन हो जाए, तो मैं चाहता हूँ जैसे इलाहाबाद का फॉर्म आया हुआ है, अगर आपको कहीं डाउट है तो इलाहाबाद भर दो, या कहीं और भी प्राइवेट सोच रहे हो, जैसे जो बहुत कम है, जैसे मेरे पास कुछ कॉमर्शियल कोर्सेज के कॉल आते हैं, कुछ बच्चे मेरे पास टेक्निकल कोर्सेज के बीसीए हो गए, बीसीएस एमसीए हो गया, एमबीए हो गया, इन कोर्सेज के कॉल आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको मैं सही एडवाइस करूँ। तो प्लीज मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने मार्क्स को देखें और अपने एडमिशन की पॉसिबिलिटीज को जानें और अपना बी ऑप्शन को स्ट्रांग बनाएं, प्लीज आपसे निवेदन है। सो फाइनली जो कट ऑफ का अप डाउन है वो बेसिकली हम लोग टॉप कॉलेजेस में ना ही कैलकुलेट करें तो ज्यादा अच्छा है, जैसे कि बी एच यू, जे एन यू, जे एम आई, डी यू के जो टॉप कॉलेजेस हैं, इन सबके कट ऑफ आप अगर कई साल पीछे जाके भी देखोगे ना तो कुछ उसी तरीके से कंपैरिजन मिलेगा कि या तो सेम है या तो थोड़ा सा ज्यादा ही है, क्योंकि बच्चों के चॉइसेस है ना यहाँ पे, और ऑलमोस्ट जो टॉपर्स है उनकी प्रायोरिटी है वो। अभी रिसेंट का एक डेटा है बीएचयू में, लास्ट ईयर का जो आंकड़ा था उसको इस साल का आंकड़ा क्रॉस कर गया है। कहने का मतलब यह है पिछले साल बीएचयू में पीजी के लिए अप्रोक्स 42-43 के आसपास कुछ इस तरीके से टोटल फॉर्म देखने को मिला था, जबकि बीएचयू अपने पहले डेट यानी फर्स्ट जो इनका डेट था 25 मई उसी डेट को इनका जो आंकड़ा है ना ऑलमोस्ट क्रॉस कर गया या उसके पैरेलल पहुंच गया। अभी दो दिन पहले का मैं डेटा देखा, जबकि अभी फॉर्म के लगभग 5-6 दिन बाकी हैं, फिर भी वो पहुंच चुका है लगभग 44-45, मतलब 2-3 हजार ज्यादा ही है लास्ट ईयर से। अभी अभी इंडियन टाइमिंग में फॉर्म ज्यादा ही पड़ता है, अगर मैं 5 हजार भी लेके चलता हूँ या 10 हजार भी लेके चलता हूँ तो 50-55 भी पहुंच सकता है ये। तो ये अभी एक कारण रहेगा कि कट ऑफ डाउन नहीं जाए, क्योंकि बच्चों के च्वाइसेस ज्यादा आ रहे हैं बीएचयू के लिए। और अभी कट ऑफ का जो अप डाउन है ना, ये चीज पता है कहां देखने को मिलेगा, यूनिवर्सिटीज कब अपना विंडो ओपन कर रही है, कौन सा कट ऑफ विंडो, यानी कि फाइनली हमारा कट ऑफ पहले आ गया। अगर डीयू पहले कट ऑफ ला देता है तो आपको उस बीएचयू का कट ऑफ डाउन हो सकता है, एक ये सेंस निकल सकता है, लेकिन मान लो कि दोनों पैरेलल ला दिए तब तो फिर बहुत ज्यादा अप डाउन नहीं होगा, लगभग बच्चे सेटल हो जाएंगे। लेकिन अगर डीयू पहले ला दिया तो बीएचयू पक्का डाउन हो जाएगा, क्योंकि बच्चे प्रायोरिटी पहले डीयू चले जाएंगे, जेएमआई पहले आ जाए। मैं तो चाहता हूं कि पहले जेएमआई आए, फिर डीयू आए, फिर बीएचयू आए, इससे क्या होगा बच्चों का भला बहुत अच्छा हो जाएगा। होता क्या है ना कि बीएचयू अगर पहले आ जाता है, बाद में जेएनयू डीयू का आता है, तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं और फिर वो सीट छोड़ के चले जाते हैं कहाँ पे, डीयू या जेएनयू, तो यहाँ की सीट खाली चली जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं हम लोग जो आगे वाले वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कट ऑफ मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है कि डाउन हो, एज इट इज होगा या हाई होगा, ठीक है। तो मुस्कुराते रहे, बहुत से शुभकामनाएं हैं, अभी बहुत ही चिलचिलाती धूप है, आपके घर में जो भी बड़े लोग हैं उन्हें आप पानी जरूर पूछते रहें, उन्हें आप 3-4 times जाके पानी ऑफर करें, ठीक है, जिससे कि कम से कम आपका पैसा बच जाए, मेडिकल में फालतू ना जाए। अगर आप बस पानी पिलाओगे तो स्वस्थ रहेंगे और आपका जो बड़ा बेदर्दी का समय है गुजर जाएगा, ठीक है। तो मुस्कुराते रहे, बहुत से शुभकामनाएं, हर हर महादेव।